ये सबसे पहले देखो, मैं ये अपना सीएलसीए कैंपस है, ये देखो कितना खूबसूरत कैंपस है, ये अपनी क्रम अब यहाँ एक बिल्डिंग बन गई, तुम जब आओगे तो खाली जगह नहीं है, ये हमारा बेटियों का हॉस्टल है, ये हमारा विजय ग्राउंड है, जनरल असेंबली होती है, ये दोस्तों अपना ये सुबह का एक दिन का मॉर्निंग शूट, वो हमारा मैस है, ये हमारी मैसिंग है, ये अपनी स्कूल है, ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये हमारी कर्मस्थली है, ये सीकर के आसपास का एरिया है, ये सारे आसपास की बिल्डिंग्स अपने बेटियों के हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल हमारे पास है, गार्डन के सराउंडिंग स्कूल हम देंगे, आरबीएससी सीबीएसई हम देंगे, हॉस्टल हम देंगे, जिम्मेदारी हम देंगे, या ये पूरा देखो क्या ये सारे हॉस्टल्स बन रहे हैं, देखो दो तो ये भी जो काम चल रहा हॉस्टल बन चुका पूरा, ये आपके सामने अपने सीएलसी है, आज लाइव में टिके रहे, मैं मेरी पूरी बात करूंगा आज दोस्तों। ये आप कैंपस हो गया हमारा पूरा हो गया, अब कैंपस में आने के बाद आप क्या क्लास में आओगे, अब आपको क्लास दिखाते, ये देखो बच्चों क्लास है अपने, ऐसे बाकायदा बहुत खुली सी क्लास है, बहुत 55x35 फिट यानी 216 वर्ग गज का एक क्लास है, 200 वर्ग गज का प्लॉट होता है शहर में लोगों के पास, ये देखो पूरे, और ये बहुत ही शानदार बच्चे बिल्कुल चार चार तो सब स्पेसियस है, चार बच्चे बैठे फिर स्पेस है, फिर चार बच्चे बैठे फिर स्पेस है, प्रॉपर क्लासरूम देखो, प्रॉपर प्लेटफॉर्म हमारे महेंद्र जी बलोदिया पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर है देखो व्यवस्था, देखो टीचर के क्लास में गले में कार्ड, पूरा डेकोरम के साथ हमारा बंदा रहता है, देखो प्लीज पूरा एक घड़ी सामने लगी हुई है ताकि बच्चे को अपना सब सही रहे, ये एक क्लासरूम है, आ जाओ क्लासरूम हो गया, आपने क्लासरूम पढ़ लिया, क्लासरूम पढ़ने के बाद आप क्या कहोगे कि साहब हमें डाउट काउंटर, तो ये देखो दोस्तों डाउट काउंटर, ये अपना सीएलसी बिल्डिंग के अंदर इतना बड़ा एक स्पेस हमारे पास, लोबी है देखो, ये देखो, ये देखो ऐसे टीचर्स बैठे होते हैं, राठौड़ सर हमारे, ये हमारे चौहान सर आ रहे हैं, ये हमारे ललित सोनी आ रहे हैं, ये हमारे बाबूलाल जी आ रहे हैं, सीएलसी के बहुत ही प्रिय चेहरा है, ये हमारे महेंद्र बलोदिया सर हैं, ये सुनील सोरान सर हैं, ये हमारे जगशीर भाई हैं, ये हमारे सुखदेव चौधरी सर हैं, ये हमारे ऋषिराज यादव सर हैं जो स्टूडेंट भी हैं सीएलसी के, ये हमारे आरडी सर हैं, ऐसे देखो उधर भागवत सर बैठे हैं, ये बालक, ये हमारे अभिषेक मिश्रा सर हैं, ये प्रवीण सर हैं, ये हमारे नदीम सर हैं, ये हमारा पाजी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमारे आरसी सर हैं केमिस्ट्री के, ये हमारे प्रशस्त जैन सर हैं मैथ के, ये हमारे कमल भाई हैं मैथ के लिए, वो हमारे भागवत सर हैं, ऐसे डाउट काउंटर होता है, रुको एक मिनट लाइव, उसके बाद आजकल पेपर जैसे जेईई का ऑनलाइन होता है तो कंप्यूटर, ये अपने खुद की लेबर देखो कितनी शानदार लेबर देखो, अल्टीमेट लेब है, बिल्कुल स्पेसियस, कहीं घुटन नहीं है, पूरा एक रूम जिसको बाकायदा व्यवस्थित तरीके से केबिन टाइप बना के ये 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं, अब तो डबल हो गई है, 200 कंप्यूटर की लेब खुद के पास अपने, ये देखो आपके सिस्टमेटिक तरीके से ये आपकी लेब हो गई इसमें, क्योंकि पेपर ऑफलाइन भी होता है ऑनलाइन भी होता है, आपको जेईई पूरी ऑनलाइन है तो ये देखो आप, तो ऑनलाइन पे सिस्टम पहले से था सीएलसी का, ऐसा नहीं अभी हुआ है, इसराइल ने बहुत पहले से काम कर लिया, ये आपका कंप्यूटर लैब हो गया, अब क्लास हो गई, डाउट काउंटर हो गए, कंप्यूटर लैब टेस्ट भी हो गया, अब शाम को असेंबली होती है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 6:30 बजे, ये रोज होती है भैया यहाँ, आ जाओ ये देखो ये असेंबली होती है, इससे बस फर्क इतना ही है, अब मैं इधर हूँ, मैं यहाँ तुम वहाँ, नहीं ऐसे दोस्तों मैं मंच पे स्टेज बैठता हूँ, या क्या खूब स्वर्ग, रोकना स्वर्ग लग रहा है यार, स्वर्ग लग रहा है, रोकना भाई स्वर्ग लग रहा, वापस लो इसको चलाओ जगदेश, ये देखो दोस्तों ये है सीएलसी बच्चों, ये आपकी सीएलसी, यहां आओगे आप लोग, चलाओ इस जगह आओगे आप, ये देखो ये हमारी दुल्हन से सजी सीएलसी है, यहां हर दिन को हम लोग उत्सव की तरह मनाते हैं, आप देखो आप देख सकते हैं मेरे को, मैं 120 दिन से कोरोना से नेगेटिव एनर्जी क्या हो सकती है, पोस्ट करें मैं उस दिन इतना पॉजिटिव हूं, देखो ऐसे सारे बच्चे, ये शाम को डेली बच्चा पढ़ता है भंडारी साहब, ये देखो ये अपने कर्मस्थली, ये दीपावली से पहले का, और यहां जो खालिस्तान दिख रहा है ना, यहां एक बहुत शानदार बिल्डिंग बन चुकी भावस्थली के नाम पे, चले ये आपकी सीएलसी, यहां आओगे आप, ये देखो ये अपना ड्रेस कोड है, ये ट्रैक सूट है, हॉस्टल के बेटे ट्रैक सूट में होते हैं, ये अनुशासन है, शिक्षा सुरक्षा संस्कार सफलता, दोस्तों ये सारी चीजें हैं, चार चीजों पर काम करता हूं मैं, शिक्षा सुरक्षा संस्कार सफलता, देखो ये देखो मतलब स्वर्ग, यहां आओगे तुम तो बहुत से बच्चे एक्साइट हो रहे होंगे, यहां बैठोगे मैं सामने रहूंगा, फिर लाइव नहीं रियल साथ रहूंगा, वर्चुअल नहीं रहूंगा, ये सीएलसी अपने, क्या स्वर्ग क्या होता है यार, मैं स्वर्ग कहता हूं, और तुम मेरे स्वर्ग के वो कहते हैं ना परियों की तरह हो हमारे यहां, तो अभी हो नहीं यहां पर, तुम आ जाओगे तो बहुत इंतजार हो रहा दोस्तों आप सबका, ये देखो ये क्या, इससे ज्यादा कोई कोचिंग क्या कर सकती है यार, अच्छे से अच्छे स्कूलों में नहीं होता कोचिंग को, तो लोग कोचिंग की बात आते लोगों दिमाग में होता है कि कॉमर्शियल कोई कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी, और 343 लोग लाइव पे चल रहे हैं, मतलब अच्छी चीज दिखाओ तो लोग देखते हैं, मजा आ गया।
अरे सीएसियंस आ जाओ जल्दी से, कोरोना भाग जा यार मेरे बच्चे, आ जाओ जल्दी से मेरे पास। ये है, ये देखो आगे चलो, ये देखो ये चल रहा है, ये बिल्कुल चलाते हो। ओके डियर, ये हमारा मैस है, ये बेटी तुम्हारी दिल्ली की बेटी हमारी, चलो ऐसे मैस है, इस मैस को खाना खाना आपको ऐसे, बिल्कुल देखो सिस्टमेटिक बिल्कुल। ये देखो सब प्रेम, ये बच्चे मेडिकल में सेलेक्ट होगी, लास्ट वीडियो है ये देखो, ये बिल्कुल अपना, ये ऐसे तीन फ्लोर है इसमें, दो बेटों के एक बेटियों का, बहुत व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल। ये अपना मैस, आ जा रे माही तेरा रसता उड़ीक दिया, बोली बात हो रही है। ये देखो ये सब हमारा मैस, चलते रहो चलाते रहो वीडियो को, ये अपना खुद का मैस है। एक बात सुनो दोस्तों, अपना ठेके का ऐसा नहीं है, लोग क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कर दिया किसी को दे दिया बच्चे को अपने बीच में कमीशन, नहीं नहीं नहीं, यहाँ हर चीज मसाला तक खुद पीस के दोस्तों बिल्कुल, क्यों खाना ही नहीं मिलेगा तो क्या काम की पढ़ाई, वैसे सीधी सी बात है। ये दोस्तों हमारे अपने, ये बॉयज का फ्लोर हो गया, पीछे ले वापस थोड़ा सा। ओके अब दोस्तों खाना खा लिया, अब फिर जब लोग सो जाते हैं तो जगती रात को, फिर कैंप लगता हमारे यहाँ, फिर रात को दोस्तों बच्चा ऐसे आके बैठता संस्था में, एक बेंच पे एक बच्चा बैठता है, इसको बोलते हैं कैंप। ये रात को 8 से 12 जो तुम्हें मैं घर पे पढ़ा रहा हूं ना, ये मेरा बच्चा, और जो सीएलसीएन है वो इस कैंप को तड़प रहा है, कैंप नहीं है बोस घर पे कैंप, ये कैंप है इसे। ये देखो ये सारा, ये व्यवस्थित ऐसे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, अपने पानी की बोतल पास होती है, अपने पढ़ते रहते हैं, ये खूबसूरती है दोस्तों। ये सीएलसी कैंप है, केवल 4 कमरे बना के 4 टीचर खड़े करके दोस्तों लोगों बेवकूफ बनाने का नाम सीएलसी नहीं है, सिस्टम का नाम सीएलसी है। 24 साल की मजबूत नीम पे, मजबूत जड़ों पे खड़ा पेड़ दोस्तों ये, जिसने पहचान दी सीकर को, ऑनलाइन में पहचान फिर से सीखती दी, जब फिर से दाव पे, जब दाव पे लगी फिर से सीएलसी फ्रंट पे आई, फिर से श्रवण चौधरी फ्रंट पे आया, फिर से कहा नहीं हम किसी पीछे नहीं है। ये दोस्तों हमारा कैंप, ऐसे बेटियां बैठ जाती हैं अलग रूम में, बच्चे अलग रूम बैठ जाते हैं, बेटे अलग रूम बैठ जाते हैं, बेटे अलग रूम बैठ जाते हैं, ये हमारा नाइट कैंप चलता है दोस्तों इस तरह से। ये देखो क्या क्या नजारा है यार, पोज करना इसको। गार्जियंस जो मुझे भी नहीं जानते हैं, रात को 12:30 बजे 17, 18, 19 साल के हजारों लड़के लड़कियां कैंपस के बाहर निकलते हैं, 10 साल से चल रहा है, कोई न्यूसेंस नहीं होता, क्योंकि इस घर का मुखिया बहुत मजबूत है, और घर का मुखिया कितनी केयर करता है। एग्जाम्पल देता हूं, लॉकडाउन में बॉम्बे की बच्ची, महाराष्ट्र की बच्ची रुकी थी यहां पर, एक लड़की की कितनी केयर की, वीडियो दिखाना उस वीडियो, एक दोस्तों 1000 बच्चों केयर करना इतना मुश्किल नहीं होता, एक लड़की जब कोरोना का महाकाल चल रहा था, वो पेरेंट्स ने कहा जब श्रवण के पास है, मुझे बहुत खुशी हुई, बॉस आपके पास बेटी बैठी है, बेटी आपकी, दोस्तों आज के टाइम में बहुत बड़ी बात होती है, मैं दिखाना चाहूं मेरी बेटी को, उस बेटी को दिखाऊंगी सीएलसी केयर करती है। हेलो एवरीवन, आई एम अंशिका तिवारी, ये मेरी बेटी का सुनिए, बायो फाउंडेशन की स्टूडेंट हूं मैं, महाराष्ट्र नासिक मैं रहती हूँ, और मैं COVID-19 में जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से काफी सारे बच्चे इंडिया में जो अपने घर नहीं जा पाए थे, अपने मतलब इंस्टीट्यूट में ही रह गए थे, वैसे मैं भी सीएलसी में ही रहती, और मुझे इस बात ये बात बिल्कुल भी फील नहीं हुई कि मैं सीएलसी में एक अकेली लड़की वहां पे थी, इतने 2 महीने मैंने वहां पे रही शायद, और मेरे को बिल्कुल भी ऐसा अकेला फील नहीं हुआ कभी। सीएलसी बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह, वहां पे उन्होंने सबने मेरी केयर की, जितने भी सीएलसी के मेंबर थे सबने मुझे बहुत अच्छे से मेरा केयर किया, और मेरी पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो हमारी कर्मस्थली सीएलसी का ऑफिस है वहां मैं जाती थी, मुझे अलग से एक चेंबर में, वहां पे मुझे मतलब पर्सनल ऐसे कंप्यूटर दिया था, वहां पे मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू करती थी, मेरी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस डेली लेती थी और मेरे रेगुलर टेस्ट मैं देती थी, और मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, या मैं अच्छे से वहां रह नहीं रही हूँ, मेरे खाने पीने में मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब अच्छे से। पूरा पूरा दिखाएंगे, थैंक यू पुत्र। दोस्तों एक बेटी की यहाँ सुरक्षा की गई थी, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम अंशिका तिवारी, मैं बहुत ईमानदारी से जिसको जिया जाता है, जिसको मंदिर समझ के दोस्तों जहां जिंदगी जी जाती है, ये आपका नाइट कैंप हो गया। फिर उत्सव के बिना क्या है, कोई धर्म हो चाहिए, सब में त्यौहार आते, त्यौहार क्यों आते हैं, त्यौहार आते हैं जिंदगी की निरसता खत्म करने, जिंदगी की जो एक रस्ता है मोनोटोनिटी खत्म करने के लिए सीएलसी सारे त्यौहार मनाती है। आ जाए सबसे पहले आपको दिखाता हूं मैं मेरा, आ जाए अगला वीडियो दिखाए, फेस्टिवल दिखाएं, अपना अपना फेस्टिवल दिखाएं दोस्तों, उत्सव सेरेमनी दिखाएं, दीपावली दिखाएं, दीपावली दिखाएं, आप देखें दीपावली देखें दोस्तों, ये देखो ऐसे फिर दीपावली मनाते हैं हम लोग यहां पर, दीपोत्सव करते हैं,
आज देखो मेरे बच्चे बहुत, आज मेरे बच्चे सब अच्छे अपने यूनिफॉर्म के अलावा बिल्कुल, ये देखो ये स्टेज होता है, मस्तियां होती हैं, ये दोस्तों मेरा ये अपना मंदिर है सीएलसी का, जहां अखंड जोत चल रही है, जहां अखंड जोत चलती है। देखो यार, जय सीएलसी मां, जय सीएलसी मां, ये देखो ये है, ये सीएलसी है, ये सीएलसी है, क्या कंपेयर करें यार। कई बार कुछ लोग हमारा कंपेयर करने लग जाते हैं तो हम कहते क्या कंपेयर करें यार, सीएलसी यूनिक है, अनपैरेलल है, हम इसका कंपेयर किससे नहीं कर सकते दोस्तों। ये देखो ये एक भव्यता, ये बिल्कुल दीपावली से पहले का एक शानदार, इधर मेरे टीम के लोग बैठे हैं, ये आपकी सीएलसी, ये सीएलसी, ये हमारी क्रमस्थली है, स्वर्ग है दोस्तों ये। तभी तो आसाम से आया हुआ फरवीस बेगू एम्स दिल्ली पहुंच जाता है, बिजनौर से आई हुई सरीन बुसरा किंग्स मेडल को एमयू पहुंच जाती है, कमला नाम की बच्ची किंग्स में पहुंच जाती है, दिखाऊंगा सब उनसे बात भी करूंगा आज मैं। ये देखो ये अपना एक कैंपस है, ये सारे हमारे बेटिंग हॉस्टल हैं, ये सारा सिस्टम है अपना, किसी 500 वर्ग में चलाया होगा, एक दुकान नहीं है सीएलसी, दुकान टाइप नहीं है, विजन है, श्रावण का सपना 25 साल पहले बोया बीज है जो बरकत बन रहा है। इस कोरोना ने तो मुझे इतना मजबूत कर दिया, कोरोना के बाद देखना आप, कोरोना के बाद अगले 2 साल में सीएलसी कहां से कहां जाएगा कल्पना नहीं किसी को दोस्तों, बस बुद्धि ठीक रहे, इतना कुछ सीखने में मिला दोस्तों कोरोना में। ये देखो ये दीपोत्सव हो गया। इसके बाद एक और सेरेमनी होती है हमारे यहां, बच्चों को कस्बे दी जाती हैं आगे बढ़ने की, आप देखें आपको कल्पना नहीं देखे, आप देखो ये दोस्तों सोना नहीं है, सोने की खान नहीं है, ये कैंडल्स हाथ में लिए जाओ क्या, इसको कैंडल हाथ में लिए, सोना वैसे सोना है, आप सोचो कोई सोना बिछा रखा है। ये देखो एक एक बच्चे को साल में एक बार हर बच्चे को एक मोमबत्ती पे शपथ दी जाती है कि तेरे को सपने पूरे करने, अपने परिवार के सपने पूरे करने, खुद के सपने का मतलब कि नीटे जेई नहीं है रे, सपने का मतलब क्या होता है इसको दिखाऊंगा, क्या बनाना चाहता हूं मैं इस वीडियो के बाद दिखाऊंगा आपको। ये देखो कि हर मेरा बेटा बेटी मोमबत्ती को बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के, अग्नि कितनी पवित्र है, चाहे कोई धर्म हो हर चीज में अग्नि होती है, चाहे हिंदू दीपक जलाए, चाहे मुस्लिम भाई अगरबत्ती जलाए, चाहे ईसाई भाई मोमबत्ती जलाए, चाहे वाहे गुरु प्रकाश उत्सव होता है आपके, तो बाकी भाई प्रकाश से बड़ा कुछ नहीं है दोस्तों। ये देखो ये क्या बात, अभी आएगा इसमें ड्रोन के सीन आएंगे, तभी आज तो मैं क्या बताऊं, भावुक सा हो रहा हूं यार ये सीन देख के, मुझे हे प्रभु जल्दी से इस 18 कोरोना को मेरे बच्चों भेज। ये देखो झिलमिल सितारों का क्या बात है, ये देखो ये बच्चे खड़े हैं भाई, ये डिसिप्लिन है यार, ये अनुशासन है यार, वो जो डिसिप्लिन है वो सब कुछ है भाई, अनुशासन के बिना कुछ नहीं है, घर हो बिजनेस हो पोलिटिकल पार्टियां हो, जहां अनुशासन नहीं है कुछ नहीं हो सकता भाई। ये देखो चले ओके, मैं क्या चाहता हूं बनाना, एक फोटो दिखाता हूं दोस्तों आपको, मैं क्या चाहता हूं मेरे बच्चों को, केवल 4 किताब पढ़ा के भेजने का नाम सीएलसी नहीं है, मैं ये चाहता हूं बनाना स्टूडेंट्स को। ये नारायण मूर्ति सर हैं, ये रतन टाटा सर, मेरी आंखें, क्या जरूरत है नारायण मूर्ति रतन टाटा के पांव छूने की यार, ये कल्चर केवल मेरे देश में है, केवल मेरे देश में है, ये दोनों किंग अपने आप में। ये नारायण मूर्ति, मैं माफी चाहता हूं यहां, मैं मेरे कुछ गांव के लोगों से अपील करना चाहूंगा, वो थोड़ी सी मेहनत करके कुछ कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि पांव छूने तो बटरिंग होती है, इनको कहीं जरूरत नहीं बटरिंग की, मुझे ये बच्चे चाहिए, ये अपने आप नारायण मूर्ति अपने आप में भैया राजा है, टाटा साहब तो क्या कहें, रतन टाटा तो आज रोल मॉडल देश के, 80 साल का डोकरा, माफी चाहता हूँ डोकरा यहाँ प्यार वाला शब्द है, डोकरा शब्द वैसे नहीं है, हमारे डोकरे प्यार में बोलते हैं, जैसे हरियाणा में छोरा छोरी प्यार का शब्द था, हमारी छोरी के छोराओं कम है, ये देखो हमारी माई थे दोनों, ये बनना है ना, केवल चंद 4 किताब पढ़ के दोस्तों कुछ नहीं होने वाला, ये बनाना चाहते हैं हम लोग बच्चों को, ये हमारे संस्कार हैं, ये आपको मंजूर है तो मेरे पास आए। और केवल आपको पेड सर्वेंट बनना है जिंदगी में, अपने आपको पैसा कमाने मशीन बनना तो कहीं पढ़ ले यार, और कोरोना साबित कर दिया पैसा कुछ नहीं है रे, जिनके पास परिवार नहीं है आज अकेले पड़े लोग फ्लैटों में, क्योंकि दोस्तियां की नहीं किसी से, बॉम्बे में अकेले पड़े फ्लैट में, सामने फ्लैट पे पहले आपने बात ही नहीं की किसी, आज तुमसे मिलने कौन आएगा भाई, तो वापस आए, ये दोस्तों था वापस आए वीडियोस के ऊपर, ऐसे दोस्तों फिर बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए एक हमारे मेडल सेरेमनी होती है फिर समय समय पर, अभी मेडल सेरेमनी हम ऑनलाइन करते हैं, ऐसे बाकायदा बच्चों दोस्तों मेडल पहनाए जाते हैं,
बाकायदा सिस्टमेटिक। और ये पांच बच्चे ट्वेल्थ के हैं, ये पांचों बच्चे सिलेक्टेड ट्वेल्थ के साथ लास्ट ईयर दोस्तों, पांचों बच्चे सिलेक्टेड बारहवीं के साथ ही मेडिकल में। ऐसे मेडिकल बच्चों पहन जाते हैं, साथ में आपके पेरेंट्स होते हैं, उनका सम्मान, उनका सम्मान भी होता है। ये हमारी मेडल सेरेमनी है, ये संकल्प उत्सव के नाम पर ऐसे उत्सव होते हैं। ये है सीएलसी, ये मुझे आपको दिखाना था आज। मैंने कहा व्यूवर्स कितने भी रहे चाहिए, फिर भी देखो मन से काम किया तो आज एक अच्छे व्यूवर्स के साथ आपका लाइव चल रहा। सुनील सर ये देखो, ये फिर आईटी वाले बच्चे आ गए हमारे, ये हमारा क्या बात है, सब लंबू सब आ गए, देखो शानदार ऐसे मेडल्स पहनाते हैं। अच्छे बच्चों को ट्रैक सूट गिफ्ट करते हैं फ्री में, फ्री गिफ्ट ट्रैक सूट ले पकड़, ये ट्रैक सूट दिया जाता है जो अच्छी रैंक आते हैं उनको। ये देखो दोस्तों, ये आपके शानदार वाले दोस्त है, ऐसे बीच में भी खड़े होते हैं बच्चों के साथ, ये ऐसे फोटो बन जाती है, ये पल जीते हैं दोस्तों हम लोग। ये है सीएलसी। इसके बाद दोस्तों सेशन एंड कैसे होता, मस्ती है बस। 7 मार्च को हम प्रिंट, सीएलसी प्रिंट देती है करके कि किस दिन तेरी क्लास, कौन सी क्लास कब होगी। ये रहा 7 मार्च को सेशन एंड हुआ, बाकायदा दोस्तों ऐसे फूल बरसा के, पुष्प वर्षा करके बच्चों को फ्री किया था। 8 मार्च को मेरा बर्थडे होता फिक्स है, 7 मार्च से एंड होना होता है। फिर बच्चे घर गए थे, 20 मार्च को हमारी डीटी स्टार्ट होनी थी, 22 मार्च को 12 स्टार्ट होना था, कोरोना सब गुड़गोबर कर दिया। ये देखो दोस्तों, ये ऐसे पूरी टीम खड़ी है, ये जैकेट्स में लोग हैं, मेरे स्टाफ के लोग हैं, ये देखो ये सब ऐसे बच्चों पुष्प वर्षा। ये पेड सर्वेंट नहीं कर सकते, ये आपके अपने करते हैं। ये देखो ऐसे हर चीज उत्सव है यहां। और जिंदगी में दोस्तों उत्सव नहीं है तो जिंदगी क्या है, फिर जिंदगी उत्सव है ही नहीं तो फिर जिंदगी क्या। देखो हमारे जगशीर भाई सब लोग लगे हुए, देखो ये जिंदगी दोस्तों, ये सीएलसी है, ये आपका ये है देखो उत्साह। ये सेशन एंड का है, लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है, हम कहते हैं अंत भला सब भला। ये आखिरी दिन है, लास्ट दिन बच्चा बच्चे के साथ डांस कर रहे हैं, इसका मतलब हमने काम किया बच्चे के साथ। 7 मार्च को लास्ट, मतलब टीचिंग क्लासरूम का आखिरी वर्किंग डे होता है, वैसे तो लास्ट दिन हमारा एग्जाम पे होता है, ये क्लासरूम का आखिरी वर्किंग डे है 2020 के सेशन का। ये मस्ती के साथ ये सब देखो, हमारे नवीन सियाग आरडी, इधर हमारे राठौड़ सर, ये सब चला, ये पूरा वीडियो। ओके थैंक यू, सारे वीडियो हो गए, ये एक वीडियो और दोस्तों। अब एक ये वीडियो समराइज करके दिखा देते हैं आपको पूरा कैंपस का सिस्टम तरीके से, बजाओ। ये देखो इस तरह से फोटोज के साथ भी आप देख सकते हैं अपनी सीएलसी को, चलाए प्लीज। ये देखो ये देखो, ये आपकी सीएलसी है, अब इसको एक साथ देख लो। ये एक समराइज वीडियो है, ये कोई दीपोत्सव का इवेंट है ना बस्ती, और क्या है? ये भव्य सा खूबसूरत, और केवल बिल्डिंग नहीं, यहां जीता है, मैं तो जीता हूं, रोम रोम में मेरे सीएलसी बसी हुई है, नस नस सीएलसी बसी हुई मेरे। इसी के दिन आज 120वें दिन में आपसे दोस्तों मैं लाइव आया हूं, केवल बोलता नहीं हूं, किया मैंने, 120वां दिन है लाइव, चार महीने कंप्लीट कर चुका हूं आपके साथ में। ऐसे ये हमारा फरवीस बेगू है, तो आसाम से आया था दोस्तों, वी 12 सेलेक्ट होके दोस्तों ये एम्स दिल्ली में बारहवीं के साथ। ये आगे जो बैठे हैं ना, ये सब 2020 के बड़े प्लेयर हैं, रिजल्ट है, बात करेंगे तभी आगे बैठा देंगे बार बने। ये हमारा टीम बिल्कुल शपथ लेते हुए बच्चों के साथ अच्छा करने की, ये हमारा विजय ग्राउंड है ही है। ये हमारा ऑडिटोरियम है जहां अलग अलग बच्चों से मीटिंग करते हैं, 100-100 बच्चों का ऑडिटोरियम शानदार वाला, जहां कभी ना कभी किसी ना किसी वैसे बात चलती रहती है, ये इंडिविजुअली बैठा के बात की जाती है चैंबर के अंदर बच्चों के साथ। ये नमन जैन है जिसकी 300 रैंक आई थी लास्ट आईटी में। ये हमारा बेसमेंट है जहां कम बच्चों से बात करनी हो 400-500 से, तो यहां से बैठा के बात की जाती है। 100 से बात करनी हो ऑडिटोरियम, 400 से बात करनी हो नीचे लोबी में, और सबसे बात करनी हो तो पूरे ग्राउंड में। ये हमारा क्लासरूम जैसे दिखाया आपको मैंने भी, ये हमारे दोनों टॉपर लास्ट जगदीश और आर्यन। ये है दोस्तों आपकी सीएलसी का कैंपस। अब रिजल्ट की बात करूंगा मैं, मात्र 2 साल में कहां कहां से बच्चा आपके सीएलसी विश्वास करता है। 18 और 19 के 2 रिजल्ट बात करूंगा, पहले बात करता हूं नीट पे, और वो भी टॉपर्स पे, पहले 2000 नो कैटेगरी ओवरऑल 2000 की रैंक में निकालो स्लाइड निकालो जी। आईटी की बात करूंगा, जेईई नीट की बात करूंगा। आ जाओ डियर, आपकी सीएलसी ने 18 और 19 में मात्र 2 साल में 79 बच्चा दिया, पहले 2000 में, जिसमें 67 बच्चा हमारे क्लासरूम का है और
बाकी बचा हमारी टेस्ट सीरीज का। आप जानते हो, अब यकीन हो गया लोगों को कि सीएलसी की चलती है टेस्ट सीरीज। और खास बात देखो, 67 में 23 फ्रेशर है 11 12वीं के साथ। फिर से कहता हूं मैं किसी कैटेगरी, अब सुने इनको, लाइव छोड़े नहीं आप लोग, क्योंकि ये देख के तो पता लगेगा ना आपको ये हुआ क्या है। हीरो तो आपके सामने आ रहे हैं। 2018 2019 में मात्र पहले 2000 की रेंगे। लास्ट में ये फोटो वोटो इकट्ठी करके छापना मेरे नहीं है, रिजल्ट आता तब सैकड़ों बच्चे घूमते सीकर में, 5000 दो फोटो छाप दो, लोग छापते हैं, भीड़ की भी छाप देते, बढ़ता गया है, मुझे पता है ना, वो नहीं करता मैं, जूठा नहीं कर सर चौधरी किसी का, हट जूठा खाए नहीं कभी, किसी खाएंगे नहीं। दोस्तों शेर परेशान भी हो ना तो घास नहीं खाता है, और शेर के पांव में कांटा लग जाए तो भी शेर रहता हो, दो बात रखना में सा। और एक तीसरी बात और है, जंगल में शेर, जंगल राज शेर होता है, इसके चुनाव भी नहीं होते हैं, वो अपने औकात से बताता है, लॉकडाउन बता दिया सीएलसी नया का। आ जाओ जी, 67 लड़के 67 बच्चे पहले 2000 में, नो कैटेगरी, कैसे कैसे ऊपर ले भैया, कहां कहां से बच्चा आए। देखो डियर, फ्रेशर ये मेडिकल बड़ी बात है, पहले साल में 12वीं के बाद पहले साल में सिलेक्शन देना दोस्तों बड़ी बात है। आप देखो जगदीश फ्रेशर आया 130 रैंक, अलवर का बच्चा। आर्यन रेनवाल का बच्चा 141 रैंक फ्रेशर। अनिशा मित्र अलवर की बच्ची 190 रैंक फ्रेशर। शक्तिराज प्रतापगढ़ का बच्चा 12वीं के साथ 255 रैंक। उज्जवल शर्मा फ्रेशर कोटपुतली का बच्चा एम्स जोधपुर। वीरेंद्र सिंह गंगानगर का बच्चा फ्रेशर 339 रैंक। रीतिका तेतरवाल नागौर की बच्ची 410 रैंक। नम्रता शर्मा जिंद हरियाणा की बच्ची 418 रैंक। इधर किसका, इसको इधर किसका ले। विजेता बेनीवाल 12वीं के साथ सुदांगड़ की बच्ची 428 रैंक। वर्षा 12वीं के साथ झुंझुनू की बच्ची 460 रैंक। रमनदीप सिंह अनूपगढ़ का बच्चा गंगानगर 520 रैंक। राधिका सोमानी फ्रेशर लक्ष्मणगढ़ सीकर की बच्ची 607 रैंक। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ओवरऑल रैंक बोल रहा हूं, नो कैटेगरी, और केवल दो साल की बात कर रहा हूं, 18-19 की। यार कांच के टुकड़ों को चमका के हीरा बनाने की कला नहीं आती मेरे को, मिट्टी से सोना बनाने की कला तो आती है मेरे को, पर कांच के टुकड़े को चमका के हीरा बनाने की बेईमानी नहीं आती मेरे को। पिंकी जाखड़ चोमू की बच्ची 613 रैंक। अखिल शर्मा अलवर का बच्चा फ्रेशर 706 रैंक। अरविंद कड़वासरा नोट किसका उधर भाई, अरविंद कड़वासरा किसका है उधर, ओके अरविंद कड़वासरा 12वीं के साथ 769 रैंक। संगम 12वीं के साथ 767 रैंक। सोनम शर्मा 12वीं के साथ 773 रैंक। रवि दैया फ्रेशर 807 रैंक। राजवीर ढाका नागौर का बच्चा, देखो रवि दैया जैसलमेर का, सोनम शर्मा सीकर से, संगम झुंझुनू का, अरविंद हनुमानगढ़ से, राजवीर ढाका नागौर का 821 रैंक। देवेंद्र सोनकरिया 12वीं के साथ चौमू का बच्चा 841 रैंक। ये बच्चा दोस्तों एससी का था, स्टेट टॉप का था इसने। फरहान आज अजमेर की बच्ची 876 रैंक। शिवांगी ढाका लक्ष्मणगढ़ सीकर की बच्ची 12वीं के साथ 899 रैंक। मोहित बुरा जैन बीकानेर का बच्चा 956 रैंक। किरण सेसमा सीकर राजपुरा की बच्ची 962 रैंक। दोस्त से राहुल सैनी फ्रेशर 991 रैंक। किशन गोपाल फ्रेशर 1003 रैंक। ज्योति अग्रवाल फ्रेशर 1012 रैंक। ज्योति शर्मा अलवर की बच्ची 1035 रैंक। रमेश भामू जयपुर का बच्चा 1091 रैंक। राहुल प्रजापति जयपुर का बच्चा 1100 रैंक। रूपेश प्रजापति नागौर का बच्चा 1183 रैंक। और दोस्तों घनश्याम अंसारी चित्तौड़ का बच्चा, बेगू बच्चा 1206 रैंक। आगे चलो, अश्विनी यादव अलवर का बच्चा फ्रेशर 1200 रैंक। पूजा चौधरी कोटपुत्री की 1200 राउंड फिर बोल रहा हूं मैं। अंतिमा रानी बिहानी की बच्ची 1250 रैंक। दीपक सोन अलवर का बच्चा 1253 रैंक। राहुल बहेड़ा अलवर का बच्चा 1258 रैंक। महेश कुमार निमका थाना सीकर का बच्चा 1278 रैंक। संदीप स्वामी सीकर का बच्चा 1308 रैंक। शिखर पुरोहित जयपुर का बच्चा 1359। और सारे बच्चे सीएलसी क्लासरूम के बच्चे हैं भैया ये। पवन प्रजापत भरतपुर का बच्चा 1300 रैंक। सुरेंद्र सिंह पाली का बच्चा 1503 रैंक। होशियार सिंह सिरसा का बच्चा 1532 रैंक। मुकेश सिंह झुंझुनू का बच्चा 1537 रैंक। जितेंद्र कुमार फ्रेशर अलवर का बच्चा 1538 रैंक। रोहन कौशिक महेंद्रगढ़ अलवर का हरियाणा का बच्चा 1547 रैंक। अरुण मित्तल अलवर का बच्चा 1548 रैंक। सपना झुंझुनू बच्ची मलसिस्टर की सपना गिल 550 रैंक। प्रियंका अरोड़ा बीकानेर की बच्ची 1500 पे रैंक। संदीप बबल झुंझुनू का 1600 पे रैंक। अभिषेक यादव महेंद्रगढ़ का 1660 पे रैंक। प्रहलाद चौधरी 12वीं के साथ जयपुर का बच्चा 1600 रैंक। ज्योति छिल्लर रेवाड़ी 1600 मतलब संख्या बोल रहा राउंड फिगर में। ज्योति छिल्लर हरियाणा की बच्ची 1673 रैंक। योगेश पटेल बाड़मेर का फ्रेशर 1699 रैंक। गौरव स्वामी हनुमानगढ़ का बच्चा 1699 रैंक। सुजान सिंह अलवर का बच्चा 1727 रैंक।
मनीष कुमार फ्रेस्टर 1773 रैंक है, अरविंद डागुर जयपुर का बच्चा 1751 रैंक है, अनुराग कुशवाहा 12वीं के साथ धौलपुर का बच्चा 1775 रैंक है, कौशल जैन नागौर लाडनू का बच्चा 1773 रैंक फ्रेशर की, श्री कृष्ण लाछड़ सर चूरू का बच्चा फ्रेशर सॉरी विट 1813 रैंक है, रोबीना फ्रेशर सिरसा हरियाणा की बच्ची 1827 रैंक है, मोहम्मद वसीम नागौर का बच्चा 1876 रैंक जिसकी बहन फरानाज अभी आई, दोनों बहन भाई थे, मनीषा चौधरी नागौर की बच्ची 1879 रैंक है, ये देखो श्रेण भुसरा बिजनौर से मेरे पास बेटी आई थी मेरी और आज दोस्तों अलीगढ़ एएमयू में है, 1900 हॉस्टल में रही अलीगढ़ से चला के आना बड़ी बात है, संजय रनवा सीकर हमारे बड़े सर के स्कूल का बच्चा 1911 रैंक है, हर सोनी बाडवल का बच्चा 1915 रैंक, और ये दोस्तों हमारा फरबीस बेगू है जो आसाम से हमारे पास आया था, ये लड़के हैं नीट के क्लासरूम के पहले 2000 में, अब टीएस के बच्चे पे आओ दोस्तों, टीएस का बच्चा कितना यकीन करता सीएलसी में, देखे आप देखो वीरेंद्र बड़ा करो ये भी पहले 2000 में है, 12 बच्चे हैं टोटल कितने थे 79 जिनमें 67 बच्चे थे दोस्तों क्लासरूम के, 12 बच्चे टीएस के, ज्यादा बेटे अभी क्लासरूम का ही है, वीरेंद्र चौधरी विथ 12th 38वां रैंक, सुनील शर्मा जयपुर का 327 रैंक, राहुल पुनिया बीकानेर का 527 रैंक, तरुण ढाकरिया विथ 12th फ्रेशर दूर करें, ये सारा बच्चा दूर करें, ये दोस्तों 12 बच्चा हमारी क्लासरूम टीएस का बच्चा है, और अब तो ऑनलाइन टीएस ने प्रूव कर दिया सीएलसी बड़े टीएस किसी है ही नहीं ऊपर ले, अब दोस्तों आईटी पे आते हैं पढ़ आगे चलें, वही 2 साल की बात आईटी करें, 18 सीकर का एकमात्र संस्था है जिसका चाहे रिजल्ट 10th का हो चाहे 12th का हो चाहे आईटी का हो चाहे नीट का हो चाहे 12th हो चाहे फ्रेशर हो चाहे टीएस हो चाहे ब्रांच हो सब चलती हैं, इस इंडस्ट्री एकमात्र जो जिस सब जगह परफेक्शन पे काम कर रही है, आ जाओ ये हमारा वही बात 18-19 दो साल में पहले 4000 रैंक में आ जाओ दोस्तों, 14 बच्चे क्लासरूम के बच्चे हैं, ये रहा हमारा नमन जैन 12वीं के साथ 12वीं का स्कोर है 92%, 351 रैंक आपके एडवांस में, एडवांस की बात करूं ऊपर लो, ये हमारा लोवेस बलाना 12वीं के साथ 1320 रैंक, मधुसूदन सिंह 1428 में एडवांस की बात कर रहा हूं, निशांत कुमार 1534 रैंक, राजवीर हनुमानगढ़ का बच्चा 12वीं के साथ 1578 रैंक, लाघव मोहन हनुमानगढ़ का बच्चा 1723 रैंक, राहुल चौधरी भी 12th 1937 रैंक, मक्खन चौहान अजमेर का बच्चा 2142 रैंक है, निखिल अग्रवाल वी 12th 87% 2772 रैंक है जो वापस से आईटी प्रिपरेशन कर रहा है, सुनील शर्मा नागौर का 3103 रैंक है, हर्ष जैन 12वीं के साथ 4000 रैंक रैंक, दीपक शर्मा वी 12th 4114 रैंक है, विवेक राजपुरोहित 12th के साथ 496 रैंक वापस लगा हुआ है, और दोस्तों हरि किशन वी 12th 95% 4202 रैंक दोस्तों एडवांस में आई है, ये रिजल्ट है संस्था के, इसलिए बहुत विश्वास से इसलिए 120 दिन से खुले प्लेटफॉर्म बात कर सकता हूं लोगों से मैं, ये था दोस्तों रिजल्ट चाहे नीट का हो चाहे जेई का हो, ये सारी बातें थी, ये सब आज आपको दिखाया कि ये आपकी वो सीएलसी है जिसके हिस्से दोस्तों आप बनने जा रहे हैं, ठीक है। अब एक बार इसके बाद जनवरी का रिजल्ट आया जेई मेन में, आप देखें सीकर का टॉपर हमारा निखिल 99.9 पे, रवि के भी ये मोनू के भी अमन के ये विट 12th रौनक शर्मा जिस दिखाएं इसकी ऊपर ले देखो, 5 बच्चा अबाव 99.8 है 22 99% है और 43 बच्चा अबाव 98% दोस्तों, ये वो स्टूडेंट हैं जिन इस साल जनवरी के जेई मेन के अटेम्प्ट को ठोका है, जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट जो है अभी सितंबर होने वाला है ये भयंकर ठोक के आएंगे भाई, चाहे एनटीएससी हो आप एनटीएससी की बात कर लें, आ जाओ आपकी सीएलसी ने दोस्तों 11 सिलेक्शन दिए एनटीएससी में, कैसे प्रीति 182 नंबर टॉपर सीकर की हरियाणा की बच्ची, पंकज कुमार सीकर का बच्चा, प्रियंका सीकर से, नवदीप छिद रेवाड़ी से, उधम सिंह महेंद्रगढ़ से, नजमा खान अलवर से, प्रियांशु झुंझुनू से, नीरज यादव अलवर से, भूपेन धौलपुर से, नितिन कुमार भिवानी से, संगीता भिवानी से, 11 में से 5 बच्चे अकेले हरियाणा से हैं, हरियाणा के बच्चों का विश्वास है क्योंकि वहां थोड़ी सी इन बातों में है कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सेफ्टी संस्कार की बात बहुत करते हैं हमारे गार्जियन, इसलिए बहुत जुड़ते हैं वो लोग, बहुत विश्वास करते हैं हमारे ऊपर वो, ये दोस्तों आपके सामने रिजल्ट सिखा रहे, और तो क्या दिखाएं यार बता, कैंपस दिखाया रिजल्ट दिखाया, ओके डियर। अब देखो एक बहुत खूबसूरत फोटो मेरे पास, एक बड़ा सुंदर फोटो है देखो, ये देखो ये मेरे पिछले बार 6 लाडले बेटे देखो, परसेंटेज के रोना होते हैं बोर्ड में देखो, शुरू से देखो प्रहलाद के रैंक का है 1664 86%, सोनम के 91% 773 रैंक, अनुराग के 96% 1775, अरविंद की 90% 759 रैंक, विजेता की 95% 428 रैंक, संगम के 94% 767 12वीं के साथ देखो, और तो क्या बताएं भाई,
कैंपस दिखाया, आईटी रिजल्ट दिखाया, मेडिकल दिखाया, एनटीसी दिखाया, ये रिजल्ट है। बोर्ड के तो आते आते करने की बात ही नहीं है। अब एक बार सारे स्लाइड्स को दिखाओ शुरू से, सारे स्लाइड्स को दिखाओ शुरू से। दोस्तों ये वो शब्द हैं, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता, ये दिखाया मैंने आपको, इन पे जीता हूं मैं। शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता। सुरक्षा है, संस्कार है, शिक्षा है, सफलता है। चले आगे, ये डाउन काउंट डाउन हो गया, शेड्यूल हो गया, डीटीएस हो गया, टाइम टेबल हो गया, क्रेस कोर्स टाइम टेबल हो गया, नीट का हो गया, जेई का हो गया, शेड्यूल 21 के बच्चों का हो गया। अब ये जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ये उनका टाइम टेबल है, 11th बायो 11th मैथ, 12th बायो 12th मैथ, टारगेट नीट, टारगेट जेई, ये 2021 का शेड्यूल जो आपको दिखा रहा हूं मैं। आगे चलें, ये दोस्तों आपके टेस्टों की डेट दिखा रहा हूं, 11th 12th बायो की है, ये 11th 12th मैथ की है, ये नीट और जेई की है, ये प्री फाउंडेशन की है। इसके अलावा ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका, ये हमारे डाउट काउंटर के नंबर हैं, ये हमारी 1 अगस्त के बाद प्रिंटेड नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बट किस बच्चे को कब आना है इसका बाकायदा आपके पास टेलीफोन आएगा, उसके अकॉर्डिंग आना, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच बांटेंगे, 7 दिन ही है। ये मेरा खुद का मोबाइल नंबर, आपको कोई दिक्कत आए तो उसको फॉलो करो, मुझे व्हाट्सअप कर दो। एक ये नंबर सेव करें भाई, जो 2021 के बच्चे हैं वो इस नंबर को सेव करें ताकि ब्रॉडकास्ट पर आप लोग जुड़ जाए। ब्रॉडकास्ट का मैसेज तभी आएगा जब 93582820430 नंबर आपके पास सेव हैं। ये हमारी ब्रांचेज हैं, ये हेल्पलाइन है, ये